तो जैसे कि आप सभी यहाँ पर थंबनेल में देख पा रहे हो, मैं यहाँ पर आईटीआई काउंसलिंग की यहाँ पर कुछ डिटेल बताने वाला हूँ कि आईटीआई काउंसलिंग कब से होगा और किस तारीख से होगा, और इसका अलॉटमेंट कब से होगा, और साथ ही साथ में यहाँ पर कब से अप्लाई किया गया था, और सभी डिटेल इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है आईटीआई काउंसलिंग में, तो इसका मैं कम्प्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैं बात करने वाला पर बिहार आईटीआई के बारे में, जो यहाँ पर लिखा है बिहार आईटीआई काउंसलिंग, और इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बिहार आईटीआई के लिए यहाँ पर बताया गया था डॉक्यूमेंट क्या क्या है, मतलब आईटीआई के लिए अप्लाई हुआ था 5 अप्रैल 2022 से, इसका लास्ट अप्रैल था, 17 मई तक लास्ट डेट था इसका, और यहाँ पर फी पेमेंट का 18 मई तक था, और ऑनलाइन एडिट करने का जो मान लीजिए गलत हो गया फॉर्म, तो एडिट करने का 19 से 21 तक इसका डेट था मई तक। इसके बाद फिर एडमिट कार्ड 2 जून को अवेलेबल किया गया, साथ में एडमिट कार्ड करेक्शन करेक्शन का डेट था 2 से 8 जून तक। इसके बाद फिर एग्जामिनेशन डेट निकला 12 जून को 2022 को, और यहाँ पर रिजल्ट क्लियर कर दिया गया 13 जुलाई को, रिजल्ट क्लियर कर दिया गया था। साथ में यहाँ पर पेमेंट देखे, मैंने पेमेंट इतना लगा था सभी लोग को। इसके आगे मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, पूरा नोटिफिकेशन, मैं नोटिफिकेशन ये वाला डाउनलोड किया हूँ, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, यहाँ पर IAS भवन पटना हवाई अड्डा के निकट पटना 14, यहाँ पर देखा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2022 के आधार पर बिहार राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आईटीआई ट्रेड की सीटों पर आवेदन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम आवश्यक सूचना। तो यहाँ पर आप पूरी तरह से यहाँ पर ये वाला को पॉज करके पूरी तरह से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है दिनांक 13/7/2022 को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने द्वारा परीक्षा सम्मिलित किया गया था, जिसमें आपको यहाँ पर पूरे डिटेल दिया गया है इस तरह से, और इसमें मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या लगने वाला है। चलिए यहाँ पर मेन आपको प्रोसेस जहाँ पर है वो उसको बताता हूँ, साथ में यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपको इसका ऑनलाइन काउंसलिंग कब से होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ चलिए मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है सही डिटेल, यहाँ से रीड करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है और टाइमिंग शेड्यूल यहाँ पर 6/8/2000 यहाँ पर सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग के लिए वेबसाइट यानी कि आज से इसका एक्टिव कर दिया जाएगा, जो आज यहाँ पर 7 तारीख है, लेकिन कल ही से एक्टिव करना था, लेकिन आज एक्टिव अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आज एक्टिव उम्मीद है कि हो जाएगा। स्टार्ट डेट कौन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करना होगा अलॉटमेंट के लिए, यहाँ पर 10 तारीख से यहाँ पर स्टार्ट होगा, यानी कि कल से इसका, सॉरी यहाँ कल नहीं, 10 तारीख से इसका स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। इसका लास्ट डेट यहाँ पर 16/8/2022 तक रहेगा, जो यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद फर्स्ट राउंड का यहाँ पर जो काउंसलिंग हुआ उसका अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया, 21 तारीख को जारी कर दिया जाएगा, 21 से लेकर 27 के बीच में यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लें अलॉटमेंट लेटर, और फर्स्ट राउंड के लिए यहाँ पर एडमिशन के लिए यहाँ पर 22/8 से 27/8/2022 तक इसके लिए एडमिशन लेना होगा, जो इसका फर्स्ट राउंड का निकलेगा। इसके बाद जब सेकेंड यहाँ पर सीट अलॉटमेंट जब होगा रिजल्ट के लिए, तो यहाँ पर 2/9/2022 को यहाँ पर होगा। इसके बाद यहाँ पर 2/9/2022 से 8/9 तक यहाँ पर आपको क्या करना है, सेकेंड राउंड का डाउनलोड हो जाएगा काउंसलिंग अलॉटमेंट। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 3 तारीख से लेकर और आपको 8 तारीख तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर आप पूरी तरह से इसको रीड कर सकते हैं, खुद से यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। इसमें आपके आगे का प्रोसेस और दिखाता हूँ, इसमें साथ में डॉक्यूमेंट क्या ले जाना होगा। तो देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट ले जाने के लिए यहाँ पर बात किया गया, पूरी तरह से यहाँ पर रीड कर लेंगे। यहाँ पर डाउनलोड किए गए हार्ड कॉपी जो पार्ट ए या पार्ट बी का मिला होगा ऑनलाइन करते समय, उसको ऑनलाइन काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करते से उपरांत मिला होगा। इसके बाद इस पर अलॉटमेंट लेटर 3 प्रति ले जाना होगा यहाँ पर भर के, और साथ में यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर मैट्रिक का यहाँ पर मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र जिसको प्रोविजनल बोला जाता है, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण जिसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोला जाता है, और विवरण पुस्तिका के लिए 1 और 2 यहाँ पर ले जाना होगा जहाँ लागू होता था, इकोनॉमिकल व्हीकल यानी जिसको EWS के अंतर्गत है वो ले जाएंगे, और यहाँ पर पूरा दिए यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड का फोटोकॉपी ले जाना है यहाँ पर, और दूसरा नंबर में यहाँ पर 6 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो का 6 कॉपी ले जाना है, साथ में एडमिट कार्ड का यहाँ पर 6 पेज ले जाना है। इसके बाद यहाँ पर ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ आईटीआई, जो आपने आईटीआई का एग्जाम दिया होगा उस टाइम आपको एक ओरिजिनल एडमिट कार्ड पर साइन मोहर हुआ होगा, उस वाला एडमिट कार्ड को ले जाना है। इसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर में रैंक कार्ड ऑफ एडमिट कार्ड का जो रैंक कार्ड होगा निकाले होंगे उसको ले जाना है। इसके बाद पाँचवा नंबर में ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करते समय जो एक स्लिप मिला होगा उसको ले जाना होगा। इसके बाद फिर डाउनलोड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फिलिंग अप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए और पार्ट बी, जो पार्ट ए और पार्ट बी अप्लाई जब किए होंगे ना उस टाइम आपको मिला होगा उस वाले फॉर्म को ले जाना है यहाँ। इसके बाद फिर डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर को ले जाना होगा, जो आपको मिला होगा चॉइस करने के बाद जो आप डाउनलोड किए होंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर लिखा गया द वेरिफिकेशन स्लिप 2 कॉपी ऑफ डाउनलोड अलॉन्ग विथ बायोमेट्रिक फॉर्म इन
कॉपी, साक्षरता डॉक्यूमेंट भेद वेकेशन समय लाना होगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर वहाँ पर जाना होगा, और डॉक्यूमेंट लेकर कहाँ जाना होगा इसके लिए यहाँ पर डिटेल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप पूरी तरह से रीड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तिथि विभिन्न औपबंधिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रवेश अर्हता वंशता योग्य विवरण के पुस्तक के अनुसार अर्हताएँ तथा उत्तीर्ण आवश्यक है, अन्यथा नामांकन के हकदार नहीं होंगे। यहाँ पर पूरी तरह से रीड कर सकते हैं, यहाँ पर सभी डिटेल यहाँ पर दिए गए हैं। नोडल सेंटर जाकर यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। यहाँ पर सेकेंड राउंड काउंसिलिंग के लिए अपग्रेड वक्त व्यक्त हेतु किए गए अपना मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है जो मैट्रिक का उसको ले जाना होगा। साथ में यहाँ पर वेरिफिकेशन स्लिप वापस ले लेंगे, और यहाँ पर सेकेंड राउंड के लिए यहाँ पर जो होंगे फिर अगला इस तरह से रीड कर लेंगे। तो यही थी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसका ऑनलाइन काउंसलिंग करने का अगर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसके लिए चैनल आपको सब्सक्राइब करके रखना हो ताकि आपको नोटिफिकेशन अगला तुरंत मिल जाए। तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। जितने भी फ्रेंड होंगे जो मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए होंगे और उसके बाद फिर आईटीआई के लिए अप्लाई किए होंगे, या जो भी आईटीआई के लिए बिहार आईटीआई के लिए अप्लाई किए होंगे, उन सभी के लिए वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।